तो काफ़ी टाइम से आप सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बहुत दिन हो गया वेनम 3 की वीडियो कहाँ है। तो चलिए आज आपके लिए ये वीडियो भी आ गई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेनम 3 के प्लॉट के बारे में, उसके विलन के बारे में और कुछ मज़ेदार केमियो के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब से यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम का हम लोग ने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, जहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अपने जो एडी भैया है वो तो टल्ली हो गए थे, हम लोग को लगा वो विलन्स का पार्ट बनेंगे और पीटर पार्कर को डिफीट करने की कोशिश करेंगे या फिर पीटर और वेनम के बीच में हम लोग को एक कन्वर्सेशन दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह हम लोग ने वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था, जहाँ पे वेनम ने पीटर पार्कर को पहचान लिया था, उसके बाद बोला था दैट गाय, इस समय हम लोग समझ गए कि वेनम की हाई मेमोरी मल्टीवर्स से कनेक्टेड है और पीटर पार्कर को जानते हैं कि बाकी यूनिवर्स में उसने वेनम के साथ क्या किया, यानी कि उसे एक तरीके से त्याग दिया है और वेनम चला गया था एडी के पास। हालांकि उस सीरीज में जो अपना करंट वेनम है वो डायरेक्टली एडी ब्रॉक के पास आ गया था, लेकिन अगर हम लोग करंटली बात करें यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो गई है। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है थॉर 1100 का ट्रेलर, जहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया है गौर जिसके पास है ऑल ब्लैक नेक्रा सॉर्ड, और ये सॉर्ड भाई गौर की खुद की नहीं है बल्कि है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की, इतना तो सब आप जान चुके होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर नल हम लोग को मावा सिनेमैटिक रस में दिखा रहा है और जो अपना सोनी का जो वेनम है वो वापस अपने रस में चला गया है, उसका सब पार्ट मावा सिनेमैटिक रस में है, तो आखिरकार वेनम 3 की कहानी कैसे बनेगी आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और क्या वाकई में उस मूवी का विलन नल होगा आज हम लोग जानेंगे। और कमेंट करके बताइए कि वेनम 3 मूवी में या तो आप एंड्रू का केमियो देख ले या टॉम हॉलैंड का, आप किसका देखना चाहते हैं। अगर आप लोग एंड्रू को सपोर्ट करें तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग टॉम हॉलैंड का केमियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अब पता चलेगा कि ऑडियंस किसे देखना चाहती है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं वेनम 2 में कार्नेज को खत्म करके यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी निराश हो गई थी। यहाँ पे ऑडियंस को लगा कि कार्नेज की स्टोरी और आगे तक बढ़ेगी, क्योंकि कार्नेज एक इंपॉर्टेंट विलन है कॉमिक में, यहाँ पे उसने कई कारनामे किए हैं, लेकिन वेनम 2 में तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ना तो क्लीटस कैसिडी है ना ही कार्नेज का सिम्बियोट, यानी कि वेनम उसे वापस से खा गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो डिटेक्टिव थे उनके पास भी वेनम का एक सब पार्ट आ गया है और वो बन जाएंगे और कोई नहीं बल्कि टॉक्सिन। हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो टॉक्सिन है वो मेन विलन वेनम 3 में होगा, क्योंकि दोस्तों अगर वेनम 3 को अच्छा बनाना है तो कुछ हट के करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वेनम पार्ट 1 की, तो जब वो आई थी यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी वो इतना अच्छा चलेगी, लेकिन वो चली क्यों, क्योंकि वेनम सीधे कनेक्टेड है स्पाइडरमैन से और ऑडियंस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्पाइडरमैन की एंट्री जरूर हो जाएगी। हालांकि लेट डेयर भी कार्नेज आई, कार्नेज ने काफ़ी कुछ संभाला लेकिन स्टोरी उतनी दमदार नहीं थी, लेकिन वेनम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन सबको बचा लिया, क्योंकि उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि वेनम का सीधा इन्वॉल्वमेंट होगा नो वे होम में। लेकिन दोस्तों मान लीजिए ये सब नहीं हुआ है, ऑडियंस जानती है इस बारे में, लेकिन यहाँ पे वेनम 3 में अगर इनकेस नल नहीं आता है, यानी इतनी जल्दी मल्टीवर्स वापस से वेनम 3 के कॉन्सेप्ट में ऐड नहीं होता है बल्कि उन्हीं के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन आ जाता है, तब भी मूवी हिट जा सकती है। तो हम लोग समझ गए कि वेनम 3 में स्पाइडरमैन हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है यानी कि मल्टीवर्स का, तो मे भी हो सकता है उस मूवी में या तो हम लोग को एंड्रू दिखाई दे या फिर ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स एक नए स्पाइडरमैन की कास्टिंग करे। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है कि जो मॉर्बियस वेनम सब यूनिवर्स है, जहाँ पे क्रेवन द हंटर की सोलो फिल्म भी आने वाली है और जहाँ पे अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वल्चर टेलीपोर्ट होकर चला गया है, आखिरकार उस यूनिवर्स पे कौन सा स्पाइडरमैन होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मॉर्बियस की पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे वल्चर मॉर्बियस से बात कर रहा था, बता रहा कि हम लोग स्पाइडरमैन को पकड़ना है और यहाँ पे मॉर्बियस बिना सोचे समझे एग्री हो जाता है इस बात पे, लेकिन आखिरकार कौन सा वर्जन का स्पाइडरमैन है ये अभी तक वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड आ जाते हैं तो एक चीज तो कन्फर्म है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो बन करेगी, लेकिन मान लीजिए एंड्रू का स्पाइडरमैन वेनम 3 में हम लोग को दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेनम 3 में विलन हो जाएगा, बल्कि दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को और चेंज किया जाएगा और हो सकता है एक नए कैरेक्टर को इंक्लूड किया जाए जो कि है एंटी वेनम। अब बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी स्टोरी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था, एडी ब्रॉक से उसका वेनम सिम्बियोट अलग हो गया था और एडी ब्रॉक के पास वापस से कैंसर आ गया था, उसका क्योर उसे करना था। और यहाँ पे दोस्तों लेकिन सिम्बियोट अलग होने के बावजूद भी वेनम के कुछ पार्ट एडी ब्रॉक के बॉडी में रह गए थे। उन सब के बाद जब यहाँ पे एडी ब्रॉक अपने कैंसर का क्योर करवा रहा था एक रिसर्च सेंटर में, तब यहाँ पे एडी ब्रॉक के व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो गए और उसकी जो बॉडी में पहले से वेनम सिम्बियोट के पार्ट थे उससे जाके मिल गए और बना ऑल टुगेदर एक नया सिम्बियोट जो कि था एंटी वेनम। मजे की बात यह है दोस्तों कि इसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं था, यानी कि एडी के पास पूरा कंट्रोल था एंटी वेनम की बॉडी का, यानी दोस्तों यहाँ पे एंटी वेनम एडी ब्रॉक की हर बात मानेगा,
क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके से एडी ब्रॉक के हाथों की कठपुतली है, ना कि वेनम, जो कि एडी ब्रॉक को मन मुताबिक कभी भी इधर से उधर ले जाता है, कभी भी पी के टल्ली हो जाता है। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पर जब एंटी वेनम आया था तो यहाँ पर जो वेनम सिम्बियोट था वो चला गया था फ्लैश थॉम्सन के पास। और अगर हम लोग बात करें अभी सोनी की यूनिवर्स की, तो हम लोग ने फ्लैश थॉम्सन को देखा है, लेकिन वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। तो घूम फिर के सवाल ये आएगा, क्या वेनम 3 आगे जाके इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है? यानी कि एडी का जो दुश्मन होगा वो और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त वेनम हो जाएगा। यानी कि कुछ भी गलत फहमी हो सकती है जिसकी वजह से एडी और वेनम एक दूसरे से अलग हो जाए। और वैसे भी दोस्तों इनकी बैटल हम लोग ऑलरेडी वेनम 2 में देख चुके हैं, यहाँ पे वेनम भैया ने एडी ब्रॉक की बाइक का क्या हाल किया था आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे अगर एंटी वेनम सिम्बियोट आता है तो यहाँ पे सिर्फ एडी ब्रॉक को वो होस्ट नहीं बनाता है, एडी तो उसका पहला होस्ट था, लेकिन यहाँ पे कॉमिक बुक में ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो कि उसके होस्ट बन चुके हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हैरी ऑसबॉर्न की। लेकिन फिर यहाँ पे दूसरी कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 यूनिवर्स की और वाकई ये वेनम यूनिवर्स का पार्ट है, यानी कि यहाँ के स्पाइडरमैन सेम है यानी कि एंड्रू गारफील्ड, तो यहाँ के जो यूनिवर्स के एडी ब्रॉक है वो तो ऑलरेडी ग्रीन गोब्लिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आखिरकार उनके पास एंटी वेनम कैसे जाएगा? इन सब के पीछे भी एक वियर्ड सा आइडिया है, चलिए उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हैरी ग्रीन गोब्लिन बन गया है और पूरी तरह खराब हो गया, लेकिन यहाँ पे एडी ब्रॉक से एंटी वेनम हट के हैरी ऑसबॉर्न के पास चला जाता है, और एंटी वेनम की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो सब कुछ हील कर देता है। यानी आप लोग तो जानते होंगे यहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गोब्लिन बनने के लिए एक सीरम का यूज़ किया होगा, लेकिन एंटी वेनम के कांटेक्ट में आते ही उसकी पूरी बॉडी साफ हो गई होगी और वो पूरी तरह हील हो गया होगा, जिसकी वजह से वापस से नॉर्मल हो गया है और यहाँ पे एंटी वेनम का होस्ट हो गया है। ये कहानी तो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो घूम फिर के यहाँ पे एंटी वेनम की बैटल होगी क्या एजेंट वेनम, जो कि है फ्लैश थॉम्सन, लेकिन उसके बाद बीच में स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, और एडी ब्रॉक क्या बिना वेनम सिम्बियोट करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों वेनम 3 को अगर अच्छा बनाना है तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम लोग बात करें टॉम की या फिर एंड्रू की या ऑल टुगेदर कोई तीसरे स्पाइडरमैन की। लेकिन अगर हम लोग बात करें फैंस के व्यू पॉइंट की, तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग एंड्रू को ही वेनम यूनिवर्स का पार्ट बनना चाहिए और आगे जाके चाहे वो बैटल करे मॉबियस से या फिर वेनम से या फिर क्रेवन से। जैसे एक और कैरेक्टर है जिसका वेनम 3 में केमी हो सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है अपने लेजेंडरी मॉबियस। तो आजकल तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इतनी कि उनकी मूवी दोबारा लग रही है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे जो भी विलन आएगा उससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाएगी कि यहाँ पे वेनम 3 कितनी अच्छी जाने वाली है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर इसे और हाई लेवल का बनाना है तब यहाँ पे नल को लाना पड़ेगा, और यहाँ पे दोस्तों उसकी बात सब सिम्बियोट मानते हैं, यानी कि अर्थ या फिर कोई दूसरा प्लानट हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर नल अपने सिम्बियोट को बुलाएगा तो उसकी बात सब सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या वेनम अकेले सामना कर पाएगा नल का, और यहाँ पे एडी वेनम या फिर के स्पाइडरमैन और एंटी वेनम बाकी सब लोग मिलके कैसे नल को डिफीट करेंगे, ये देखने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।